हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मिनिम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू कर लिया था। अब देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जो केवल पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड कर रही है, उन पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था चार तरह की होती है, जिसमें से एक जो है हम आज पढ़ने वाले। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है वो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपके हिंदी में कहते हैं। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले ये पूरा समझने से पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब, ये अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको राउल्ट लॉ वाला वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है। वापस से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक कोई बीकर है या कंटेनर है जो कि क्लोज है, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने कहा लिक्विड है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये लिक्विड है और ये क्या है, इसकी वेपर है, ये क्या है, इसकी वेपर है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में क्या है, इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में। तो ये मैंने कहा सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट कह दो या लिक्विड कह दो, सॉल्वेंट तो आप तब कहेंगे जब ये साथ में सॉल्यूशन बना रहा है, तो मैंने कहा ये लिक्विड फेज है, ठीक है, सॉल्यूशन को मैं साइड में ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और ये जो है ऊपर ये क्या है, इसकी वेपर फॉर्म है, क्या है, वेपर फॉर्म है। तो यहाँ पर जो वेपर है वो क्या कर रही है, लिक्विड की जो सरफेस है, सतह, उस पर क्या लगा रही है, प्रेशर, क्या लगा रही है, प्रेशर। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है या जो प्रेशर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, लिक्विड की वेपर के द्वारा, किस पर, लिक्विड की सतह पर, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर फॉर्म में है, तो मान लीजिए मैंने कहा पी है, मान लीजिए मैंने क्या कहा, पी है। अब मैंने क्या करा, सॉल्यूशन बना दिया, क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इसी में मैंने क्या करा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये मैंने कहा अब ये सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे मिलके बना है। ये जो सॉल्यूशन है ऊपर मैंने क्या कहा, प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, पी से। अब मैंने कहा मैंने सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन कैसे बनाया कि सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल है। सॉल्यूट जो है उसकी कंडीशन दे रखी है क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। देखिए वॉलेटाइल को हिंदी में कहते हैं वाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल का मतलब अवाष्पशील, जिसकी वाष्प ना बने। तो यहां पर सॉल्यूशन मैंने किससे बनाया, सॉल्वेंट से और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से। अब यहां पर भी वेपर तो बनेगी, तो यहां पर मैंने वेपर बना दी। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, पहले वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का था, मैंने पी से बता दिया। इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो मैंने कहा पी एस है, भाई वेपर तो अभी भी बन रही है। अब मेन बात यह है कि जो ये वेपर है ये टोटल और टोटल किसकी वेपर है, सॉल्वेंट की वेपर है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन का, ये किसकी वजह से लग रहा है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से लग रहा है। बात समझ आ रही है, कहेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लेकिन मेनली उस वेपर प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है, सॉल्वेंट। तो यहाँ हमने कहा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर पी है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मैंने कहा पी एस है, वो मैंने कहा पी एस है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। मतलब कंडीशन क्या दे दी कि जो पी है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ पी माइनस पी एस, तो पी क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और पी माइनस पी एस को हम कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी, या वाष्प दाब में अवनमन भी कह सकते हैं। तो देखिए ये आपके वाष्प दाब में अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन नहीं है, या हम कह सकते हैं लोवरिंग है, रिलेटिव लोवरिंग नहीं है। अब जब आप इसी को पी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस पी एस अपॉन पी, ये आपके कहलाता है रिलेटिव
लोवरिंग रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने क्या कहा कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो वाष्प द्वारा दाब लगाया जा रहा है लिक्विड की सतह पर वो आपके वेपर प्रेशर है। अब हमने कहा जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया तो वेपर प्रेशर पी था, जब हमने सॉल्यूशन बनाया किससे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर तो वेपर प्रेशर जो है वो किसका कहला रहा है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है कम पीएस आ रहा है। अब मैंने क्या कहा कि जो पी माइनस पीएस है जो अंतर है जो कमी है उसको मैंने क्या कहा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जब मैंने इसको पी से डिवाइड कर दिया इसको मैंने कहा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक्चुअल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है पी माइनस पीएस अपॉन पी। अब मेन बात ये आती है कि भाई ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये कम क्यों आ रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर आपके प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट क्या कर रहा है वेपर बना रहा है। अब जब वेपर बनती है तो सतह से बनती है, किससे बनती है सतह से, भाई अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो तो ऊपर एकदम से वेपर में जा नहीं रहा, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, साम्य का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो वेपर बना रहे हैं और वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब सॉल्यूशन सॉल्वेंट का तो मैंने कहा वेपर प्रेशर पी है, अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम क्यों आया उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सतह थी ऊपर वाले में सतह के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं लिक्विड के या सॉल्वेंट के, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं वेपर बनाने में सक्षम है या वेपर बना सकते हैं, लेकिन जब आपने बात करी सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो अब जो आपके सरफेस है उस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल भी हैं और जो सॉलिड डिजॉल्व हो गया है उसके मॉलिक्यूल भी है, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो वेपर बना सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर नहीं बना सकते, तो जो वेपर बनती है वो उसकी मात्रा क्या हो जाती है कम, कम वेपर बन पाती है, और कम वेपर बनती है तो वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होगा। बात समझ आ रही है? तो ये आपके था कि वेपर प्रेशर क्या है प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, फिर हमने क्या कहा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है पी माइनस पी एस, और ये आ गया पी माइनस पी एस अपॉन पी। अब देखिए हमने कहा कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। अब एक राउल्ट लॉ तो हमने पहले पढ़ा था जो कि केस क्या था कि जो दोनों आपके कंपोनेंट है वो क्या है लिक्विड है। अब यहाँ पर केस चेंज हो गया, एक तो लिक्विड है और वॉलेटाइल है जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, और एक सॉल्यूट है जो कि क्या है नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है नॉर्मली सॉलिड हम कहेंगे उसको। तो यहाँ पर हमने क्या कहा राउल्ट्स लॉ। अब ये यहाँ पर इस कंडीशन में राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। लिख देता हूं मैं इसको। तो देखिए यहां पर इस केस में राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है पी माइनस पी एस अपॉन पी, ये किसके बराबर है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो मैंने क्या कहा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो देखिए ये आपके यहाँ पर इस केस में राउल्ट्स लॉ है। तो देखिए इस केस में राउल्ट्स लॉ जो है वो क्या है पी माइनस पी एस अपॉन पी, मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है प्रोपोर्शनली एग्जैक्टली बराबर है किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करिए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रॉपर्टी या रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सीधे सीधे यहाँ पर प्रूव हो रही है। क्या प्रूव हो रही है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो कहीं ना कहीं सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। देखिए एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट भी है राउल्ट्स लॉ का। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला क्या है कि पी एस इक्वल्स टू पी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सॉल्यूशन का प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है प्योर प्रेशर, या हम कहें सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में प्रेशर या प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है
वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ के। अब यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट में रिलेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, लिखने का तरीका अलग है। क्या है? लिखने का तरीका अलग है। अब ये फॉर्मूला कैसा है मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए P माइनस पी एस अपॉन पी ए, इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। पी अपॉन पी अलग लिख दिया, माइनस पी एस अपॉन पी अलग लिख दिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। अब पी अपॉन पी क्या हो गया? इसको आपने लिख दिया वन माइनस पी एस अपॉन पी, इक्वल्स टू में क्या है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, इसको आप यहाँ ले जाओ, इस वाली जो टर्म है माइनस वाली इसको यहाँ ले जाओ, और ये वाली जो टर्म है इसको आप यहाँ ले आओ, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपके वन माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपके, अब देखिए यहाँ पर ये वन था, वन वहीं का वहीं रह गया, और ये वाली जो टर्म है वो यहाँ आ गई माइनस में, और ये जो पी माइनस पी एस माइनस में था ये क्या हो गया? प्लस में। तो ये हो गया पी एस अपॉन पी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन वैसा का वैसा है, और यहाँ पर ये आपके एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, और साथ में क्या माइनस एन इक्वल्स टू पी एस अपॉन पी। तो आप देखोगे कि ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली जब आप लिखोगे इसको तो देखिए पी एस अपॉन पी बच गया, पी एस अपॉन पी, और साथ में क्या बच गया? कैपिटल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। अब ये p को क्या करो आप, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू कैपिटल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो ये आ गया पी एस इक्वल्स टू पी, और ब्रैकेट में आ गया कैपिटल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो ये आपके राउल्ट्स लॉ के दो स्टेटमेंट है, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट और डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो कि मैथमेटिकली हम कैसे बता रहे हैं, पी माइनस पी एस अपॉन पी, ये एग्जैक्टली किसके बराबर है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या है, कि जो आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा और एक राउल्ट्स लॉ पहले पढ़ा था, तो दोनों देखा जाए तो एक तरह से सेम हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि वहाँ पर हमने जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है पी वो किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही आपने पढ़ा था। फिर वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके वेपर प्रेशर है टोटल वेपर प्रेशर वो किसके बराबर आ रहा है? कंपोनेंट ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन, और कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये जो है ये क्या हम कह रहे हैं ए का पार्शियल प्रेशर है या पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल थे, यहाँ पर क्या था, दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल थे। अब मान लीजिए कि ए जो है वो सॉल्वेंट है, ए जो है वो क्या है? सॉल्वेंट। और बी जो है वो मैंने कह दिया सॉल्यूट है, वो मैंने क्या कह दिया? सॉल्यूट है, और जो कि क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैंने कंडीशन ये डाल दी कि ये वॉलेटाइल ना हो गए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई क्योंकि इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला ये आ गया P इंटू पी नॉट ए एक्स ए। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि P जो है वो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पी एस, मैंने कहा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ए जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में जब केवल सॉल्वेंट था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी। और एक्स ए जो है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्वेंट का। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला सेम ही है, पी एस क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी क्या है? प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखा जाए जितने भी हमने स्टेटमेंट पढ़े राउल्ट लॉ के वो आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि दोनों वॉलेटाइल थे, यहाँ पर हमने क्या कहा? सॉल्वेंट वॉलेटाइल है और जो सॉल्यूट है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है।
अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछता है वो आपसे, क्या पूछता है न्यूमेरिकल, वो क्या कहता है कि अगर आपके प्योर सॉल्यूशन का प्रेशर ये है, मतलब कोई वैल्यू दे दी उसने, और फिर कहता है कि जो आपके सॉल्यूशन का प्रेशर है वो भी दे देगा, दोनों आपसे दे देगा कि भाई प्योर का प्रेशर ये है और सॉल्यूशन का प्रेशर ये है, तो फिर पूछेगा कि जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या फिर वो ऐसे कह सकता है कि सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो दे दे और सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो दे दे, और फिर कहे कि भाई प्योर का प्रेशर इतना था तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना कि ये जो आपके फॉर्मूले हैं इसमें आपको अप्लाई करना है। तो आपने क्या करा कि भाई सॉल्यूशन का प्रेशर आपको चाहिए तो सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ रखा, ये आपको निकालना है, प्रेशर जो दे रखा है वो आपको वैल्यू दे रखी है ये लिख दीजिए, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो ये लिख दीजिए। और टिपिकल करना चाहेगा तो वो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ना देकर वो वेट दे देगा कि भाई ये आपकी शुगर है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका वेट इतना है, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, उसका मॉलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए। एक कंडीशन ये लगा सकता है कि वो कहे कि भाई बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्या है बहुत डाइल्यूट, जैसे ऊपर वाला ही है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करना चाहूँ तो मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में कंडीशन क्या लगाई कि जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब मैंने क्या कहा कैपिटल एन जो है बहुत ज़्यादा है किससे, स्मॉल एन से। अब कैपिटल एन स्मॉल एन से बहुत ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले को आप चेंज करके कैसे लिख सकते हो, P माइनस पी एस अपॉन पी। अब क्योंकि कैपिटल एन बहुत ज़्यादा है स्मॉल एन से तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ एडिशन में, तो इसको मैं नियरली इक्वल्स लिख सकता हूँ स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये नियरली इक्वल है, तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके नेग्लिजिबल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको यही अप्लाई करना है, पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, बात समझ आ रही है। इसके अलावा वो आपसे सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट भी पूछ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना कि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वो होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, स्मॉल मैंने टर्म काम में ले ली दोनों के लिए, और सॉल्वेंट की बात करें तो इसका भी वही आएगा नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो अगर आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है तो मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो वहां पर क्या होगा, आप इसकी जगह वैल्यू रख दो, आप क्या करो इसकी जगह वैल्यू रख दो, इसकी जगह आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा आपके P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू स्मॉल एन की जगह आपने क्या रखा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन की जगह आपने क्या रखा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ पर आपके बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि भाई सॉल्यूशन दे रखा है दोनों का, प्योर का दे रखा है और सॉल्यूशन का दे रखा है, तो ये आप निकाल लोगे। उसके अलावा सॉल्वेंट का आपको पता है मॉलिकुलर वेट क्या है और वेट क्या है, और जो सॉल्यूट है उसका वेट दे रखा होगा, तो केवल आपको एम चाहिए, केवल आपको क्या चाहिए एम, तो केवल आपको एम चाहिए तो आप एम क्या कर सकते हो सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो ये जितनी भी डिटेल थी किसके बारे में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, वो मैंने आपको बता दी है। अब मेन बात ये है कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आते हैं और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना आप क्वेश्चन सॉल्व करे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, जब तक आप क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आगे के कुछ वीडियो में जो है हम प्रैक्टिस के जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर हम सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।